Hey everyone, welcome back to Microbe Talk, your on YouTube channel. I am Manshi, once again with you. और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ RGCB, यानी कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं PhD प्रोग्राम के लिए अगस्त 2024 सेशन में. उसी का डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं. बहुत सारे डोमेन्स हैं यहाँ पर PhD के लिए, जैसे कि डिजीज़ बायोलॉजी, न्यूरो बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड प्लांट साइंस. ये जो प्रोग्राम है RGCB में, जो PhD प्रोग्राम है, ये एफिलिएटेड है टू द रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड के RCB, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोवाइड कराता है, जो कि इस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है. बहुत ही ऑस्पिशियस इंस्टीट्यूट है. इम्पॉर्टेंट डेट की बात करूंगी, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 26 जून है, तो जल्दी से अप्लाई कर लें जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं. बात करेंगे कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो कब तक अनाउंस किए जाएंगे, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक कर दिए जाएंगे. डेट ऑफ इंटरव्यू होगी सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ जुलाई एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग PhD 1 अगस्त 2024. बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस, एग्रीकल्चरल, इन्वायरमेंटल, वेटरनरी, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल साइंस एंड अलाइड सब्जेक्ट में, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर रिलेटेड जो भी डिसिप्लिन हैं उनमें, विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, ठीक है, यानी कि आपके मास्टर डिग्री में आपके कितने 60% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट होना चाहिए UGC 10-point स्केल पर, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्रेडिटेड बाय एन असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन एजेंसी विच इज़ अप्रूव्ड, ठीक है. नेक्स्ट रिलैक्सेशन भी है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का, ठीक है, इनकी 60 ना होकर के 55% होगा या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट होगा. किसके लिए है ये? SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है. इससे अलग जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास एक वैलिड GRF हो, चाहे वो UGC, चाहे CSIR, चाहे ICMR, चाहे DBT, चाहे DST, इंस्पायर या फिर कोई भी नेशनल कॉम्पिटिटिव फेलोशिप होनी चाहिए. बेसिकली GRF के लिए आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए जो कि एप्लीकेबल हो 5 ईयर्स के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑफर कर रही हो. अपर एज लिमिट 26 है, ठीक है, एज ऑन द एप्लीकेशन डेडलाइन, यानी कि एप्लीकेशन डेडलाइन मैंने आपको क्या बोला था, क्या है, यस 26 जून है, तो तब तक आपकी एज 26 होनी चाहिए. एज लिमिट है विल बी रिलैक्स्ड फॉर SC ST एंड डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट. अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो जो भी कैंडिडेट जिनके पास एक वैलिड GRF है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस पे बेस्ड होगा? परफॉर्मेंस पे, स्टूडेंट की इंटरव्यू के टाइम पे, जो कि RGCB में होगा, ठीक है. जो PhD इंटरव्यू होगा वो सिर्फ ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है. जो गाइडलाइन है इंटरव्यू की वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और लिस्ट है जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इनके RGCEB की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे. वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी. एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में अप्लाई का प्रोसेस नहीं है. इससे अलग एप्लीकेशन फ़ी जो कि 500 रुपीज़ है वो ऑनलाइन पे की जाएगी यूजिंग SB Collect ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थ्रू द URL गिवन इन द पेमेंट से, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहीं पे आपको मिल जाएगा. SC ST EWS एंड डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट जो हैं उनको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है. इससे अलग लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने, मैंने आपको बताया था 26 जून, ठीक है, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होंगे या फिर अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी नहीं दी है, ठीक है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा. अब बात करेंगे PhD प्रोग्राम की फ़ी कितनी है, तो जो भी स्टूडेंट PhD प्रोग्राम में एडमिट होते हैं, ठीक है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी देनी होगी 5,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फॉर द फर्स्ट 10 सेमेस्टर एंड 10,000 फॉर जितने भी 10 सेमेस्टर जाने के बाद आपके होने वाले हैं सेमेस्टर्स. उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं
ठीक है, हैव टू पे द आरसीबी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। कुछ नोट दिए हैं इन्होंने, ऑल कम्युनिकेशन विद कैंडिडेट विल बी बाय ईमेल ओनली, ठीक है, कोई और अदर तरीके से नहीं दिया जाएगा, कोई मेल नहीं आएगी, ईमेल के थ्रू ही आएगा। तो आप एक दूसरा, अगर आपको अपडेट रहना है तो इनकी वेबसाइट आपको रेगुलरली चेक करनी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं phd.admin@rgcb.res.in पर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने देख रहे हैं आप, बॉक्स बनाया हुआ है ये, तो आप इस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर कर दिया तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, और पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसका पूरा लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माइक्रोप टॉक, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो कीप वॉचिंग माइक्रोप टॉक, बाय।